नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी लूना 25 काफ़ी न्यूज़ पे है। अब यहाँ पर कई सारे जो मीडिया चैनल है ये बता रही है कि क्या ये रशिया वर्सेस भारत हो सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था लास्ट मंथ 14th of July को, और अभी सडनली एक न्यूज़ आया रशिया की तरफ से कि वो भी जो है लूना 25 एक मिशन है उनका जो मून पे जाने वाली है और बहुत जल्द जाने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये रशिया वर्सेस जो है आपका भारत हो जाएगा, या इसके साथ साथ ये जो लूना 25 मिशन है ये चंद्रयान 3 से कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है, और आखिर सडनली ऐसा न्यूज क्यों आया, क्या रशिया के पीछे इसका क्या इंपॉर्टेंट प्लान है, तो इन्हीं सारी चीजों को आज इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग समझेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कई सारा जो मीडिया चैनल है, जैसे आप देख सकते हैं कि रशिया लूना 25 इन अ रेस विद इंडिया चंद्रयान 3 टू बी द फर्स्ट टू रीच मून साउथ पोल। देखिए दोस्तों क्या है बात कि अब यहाँ पर जो रेस है वो साउथ पोल जाने का है, साउथ पोल से एंट्री करने का है, मून के साउथ साइड में एंट्री करने का है। देखिए इस बात से तो हम मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जब USSR था तो उसने कई सारा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट किया। जैसे कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में अगर कोई पहला मेल जाने वाला कौन है तो वो USSR की तरफ से था, अगर कोई पहला फीमेल जाने वाली कौन है तो वो USSR की तरफ से था, या फर्स्ट जो है रोवर्स पे लैंडिंग करने वाला कौन है तो वो USSR की तरफ से था। तो इस बात से तो हम मतलब कि मुकर नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल और रेस यहाँ पर यह है दोस्तों कि चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है, और फाइनली अभी रिसेंट में एक प्यारा सा वीडियो भी आया था मून के सरफेस को बाकी एकदम क्लोज तरीके से जिसको मतलब कि कैप्चर किया गया था। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है कि चंद्रयान 3 अगर मान लीजिए दोस्तों के 23rd of August को मून के साउथ पोल पे अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाती है तो हमारा प्यारा सा जो भारत देश है पूरे वर्ल्ड का पहला देश बनेगा जो मून के सरफेस पे साउथ पोल से जो है लैंडिंग करती है। और आज तक दोस्तों कोई भी मतलब के कंट्री जो है वो साउथ पोल पे जो है लैंडिंग नहीं किए दोस्तों। इससे पहले लैंडिंग हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया, चाइना भी ने किया, और साथ साथ रशिया ने भी किया है। और इनफैक्ट हमारे प्यारे से भारत में जब चंद्रयान मिशन जो 1 लॉन्च हुआ था तो उन्होंने भी जो है मतलब के उस मिशन ने भी मतलब के लैंड किया था, लेकिन मून के साउथ पोल से किसी भी देश ने नहीं किया था दोस्तों। ये हमारे साथ रेस है। अब यहां पर बात करेंगे कि लूना 25 का एक्चुअल में मकसद क्या है, और इस मतलब इसके पीछे रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस उनका क्या कहना है, क्योंकि कई सारे मीडिया चैनल जब ये न्यूज मतलब के बना रही है कि कुड रशिया लूना 25 बीट चंद्रयान 3 इन रेस टू बी फर्स्ट ऑन साउथ पोल ऑफ मून फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर क्या क्या था दोस्तों कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस उसके तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये जो हमारा मिशन है फाइनली मान के चलिए कि 10 से 11 अगस्त को ये लॉन्च होगा, फ्राइडे के दिन 11 अगस्त के आसपास। और इसका एक इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि ये जो मिशन लॉन्च होने के बाद बहुत ही कम टाइम में ये जो है मून के साउथ पोल पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और जैसा कि चंद्रयान जो 3 है उसका जो डेडलाइन है वो 23rd of August को है। अभी रिसेंट एक इंटरव्यू हो रहा था मतलब कि कल ही के दिन या उससे पहले का एक इंटरव्यू था जो इसरो के चेयरमैन थे, तो उन्होंने बताया कि चंद्रयान जो 3 है उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंसर होता है और साथ साथ आपका कुछ जो 1 या 2 इंजन है वो मतलब कि फेल्ड हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग सेफली जो है 23rd of August को मतलब के सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग कर सकते हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट मतलब के था न्यूज़ चैनल पे ओवरऑल। बट अब यहाँ पर सवाल ये है कि लूना 25 जो मिशन है रशिया का, आखिर ये जो मिशन है ये 2021 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जो रशिया स्पेस एजेंसी का एग्रीमेंट था जो टाई था वो कहीं ना कहीं वो एग्रीमेंट टूट गया, और ये जो मिशन था लूना 25 फिर फाइनली 2023 अगस्त के महीने में लॉन्च हो रहा है। और इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी लूना 25 के लिए क्या कर रही थी कि नेविगेशनल जो कैमरा होता है वो प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ये मतलब के टाई अप जब एग्रीमेंट जब टूट गया तो इसके कारण वर्ष क्या हुआ कि ये जो मिशन जो है ये मतलब के इसका डेडलाइन बढ़ गया, और फिर फाइनली ये अगस्त पे मतलब के 11 अगस्त को ये मून के साउथ पोल पे जा रही है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ-साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर लूना 25 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, रोसकॉस्मोस
इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और रशिया के इतिहास में मतलब के नियरली मान के चलिए कि 50 सालों के बाद ये वो जो मिशन है जो मून के सरफेस पे जा रहा है दोस्तों। इससे पहले लूना 24 था जो मून के सरफेस पे मतलब के पहुंचा था दोस्तों, लेकिन ये जो मिशन है ये साउथ पोल के साइड से जा रहा है, तो ये भी पहला कंट्री बन सकता है। तो यहां पर रेस यही है हमारे साथ भारत और रशिया के साथ कि मून के सरफेस पे साउथ साइड से सबसे पहली कंट्री कौन जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए दोस्तों क्या है कि चंद्रयान 3 जैसे ही साउथ पोल पे लैंड कर जाएगी मतलब कि मून के सरफेस पे, तो लगभग मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 2 हफ्ता के आसपास वो एक्सपेरिमेंट करेगी पूरे मून के सरफेस को, स्पेशली साउथ पोल पे जो एंट्री हो रहा है वहां पे, कि वहां वहां पे क्या रिजर्वेयर है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, वाटर का क्या वहां पर मतलब कि कैपेसिटी है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च चलेगा। लेकिन एज कंपेयर अगर हम बात करें आपका लूना 25 के बारे में, तो लूना 25 का जो ये मिशन है ये तो एक कम टाइम का है, और लगभग मान के चलिए ये जो आपका मून पे वर्क करेगी तो लगभग सालों भर का एक स्टडी रहेगा। और स्पेशली जो मकसद है मतलब कि रशिया स्पेस एजेंसी का लूना 25 को लेकर के, कि मून के साउदर्न साइड यानी साउथ पोल पे जो ये लैंडिंग है एक्चुअल में, तो वहां पर ह्यूमन लाइफ का सपोर्टिंग कितना है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, ऑक्सीजन का क्या कंडीशन है वहां पे, तो ये सारी चीजों पे जो है दोस्तों मतलब लगभग आपका स्टडीज करेगी ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, ये आपका रशियन स्पेस एजेंसी का जो आपका लूना 25 है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका अर्थ ऑर्बिट हो गया आपका, और फिर फाइनली एक चक्कर लगाने के बाद फिर ये फाइनली पहुंच जाती है मून के सरफेस पे, और यहां पर लगभग मान के चलिए दोस्तों आपका कि 1 से 1.5 दिन के आसपास लगेगा, 1 से 1.5 मतलब कि आपका चक्कर लगाएगी ये, और ये फाइनली जो है लैंड कर जाएगी मून के सरफेस पे। लेकिन ये चंद्रयान जो 3 है इसके कंपेयर में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज जितना ये ऑर्बिट पे मतलब कि चक्कर लगा रही है लूना 25, इससे कई ज्यादा जो है चंद्रयान 3 जो है लगा रही है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर क्या है दोस्तों कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है यह आपके अर्थ पे जो है इतना सारा इतने बार ऑर्बिट पे मतलब के चक्कर लगा रही है, देन इसके बाद फिर क्या होगा कि ये फिर मून पे जाएगी और मून के ऑर्बिट पे जो है ये चक्कर लगाएगी, और फिर फाइनली जो है साउदर्न पोल से ये सॉफ्ट जो है लैंडिंग करेगी दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपको यहां पर शो करते हैं, अगर हम बात करेंगे कंट्री वाइज कि अब तक कौन सा जो देश है जो मून के सर्फेस पे लैंडिंग कर चुका है लेकिन साउथ पोल छोड़ करके, ये रिमेंबर रखिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूनाइटेड स्टेट्स है जो 11 बार जो है लगभग आपका दोस्तों लैंडिंग कर चुका है। इसके साथ साथ आपका यूएसएसआर, देखिए दोस्तों यहां पर हम ये बता रहे हैं यूएसएसआर अभी तो रशियन फेडरेशन हो गया है, तो पहले क्या था कि यूएसएसआर था, लेकिन इस यूएसएसआर से कई सारी कंट्री जो है वो सेपरेट हो गई है, जैसे आपका कजाकिस्तान सेपरेट हो गई, किर्गिस्तान आपका सेपरेट हो गई, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं यूक्रेन आपका सेपरेट हो गई, तो अभी जो बना है वो आपका रशियन फेडरेशन बना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब यूएसएसआर था तो रशिया मतलब कि रशिया ने कई सारा इंपॉर्टेंट जो है कामयाबी जो है हासिल किया था अलग अलग फील्ड में, लेकिन जैसे ही ये सेपरेशन होता है तो कई मतलब कि कई सारी कंट्रीज जो है या कई सारा जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स गेम है वो रशिया के ऊपर या फेडरेशन ऑफ रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाती है, जैसे रशिया को जो है फीफा वर्ल्ड कप से बैन किया गया है, देन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि कई सारा और भी सैंक्शन इम्पोस्ट किया गया है। तो इस कारणवश जो है रशिया ये चाहती है कि ये मिशन लॉन्च करके हम अपना जो दबदबा है फिर से दोबारा हम बनाएं। अभी रिसेंट में एक याद होगा दोस्तों आपका कि भारत का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नाम से, तो वहाँ पर एक हमारा अर्जुन मिजाइल टैंक है MBT मेन बैटल टैंक जिसके कहते हैं। तो अभी देखिए क्या है कि रशिया जो है एक लीडिंग एक्सपोर्टर है मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट्स का, लेकिन यहाँ पर मेन क्या हुआ कि रशिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का जो अफ्रीका को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करती है इक्विपमेंट्स, लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों कि हमारे देश का जो OFB है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उसका बनाया हुआ है आपका अर्जुन टैंक, और ये अर्जुन टैंक का जो ऑर्डर आता है कहाँ से मालूम है, अफ्रीका से आता है भारत को। तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों कि अब रशिया को हर कंट्री क्या कर रहा है, पीछे छोड़ने की तरफ जा रहा है, वो यूक्रेन की वार की वजह से, और भी कई सारा रीजन है इसके पीछे, और कहीं ना कहीं भारत जो है हर एक मतलब के अलग अलग एंगल से जो है आगे बढ़ रहा है दोस्तों। अब ये मतलब के भगवान और ऊपर वाले से प्रे ये किया जाएगा कि बस 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 है सेफली साउथ पोल से लैंड कर जाए, और कहीं ना कहीं फिर हम पूरे वर्ल्ड में पहला
देश वो बने जो देश मतलब के साउदर्न साइड से मून पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ जैसे ही आप देख सकते हैं यूएसएसआर तो लगभग आपका 7 बार जो है लैंड कर चुकी है। इसके बाद हम चाइना को भी नहीं भूल सकते हैं, 3 बार आपका लैंडिंग कर चुकी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट भारत हमारा प्यारा सा जो 1 बार लैंड कर चुकी है जब इसने चंद्रयान 1 जो है मिशन लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर इस बार मान लीजिए मून के साउदर्न साइड से साउदर्न पोल से अगर सेफ यानी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है मतलब कि चंद्रयान 3 मिशन का तो भारत हमारे प्यारा सा जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड का पहला देश बनेगा दोस्तों ओवरऑल। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि एक साइड है आपका लूना 25 और एक साइड है आपका चंद्रयान 3। जिस तरह से हमारे प्यारे से भारत में लोगों को एक्साइटमेंट था चंद्रयान 3 को लेकर के उसी तरह से दोस्तों लूना 25 का जो मिशन है रशिया का वहां पर भी जो सिटीजन है उनको भी एक्साइटमेंट है कि कैसे ये लॉन्च होगा और कैसे कैसे क्या होगा। इसके साथ साथ रशिया की जो सरकार है स्पेशली पुतिन जो है प्रेसिडेंट जो है वहां के तो उन्होंने क्या किया है कि मॉस्को के आसपास जब वो मतलब कि मिशन लॉन्च होगा 25 वाला 11 अगस्त को और उसका जब बूस्टर मतलब कि जब ये मिशन लॉन्च होगा और उसका जो बूस्टर है वो जब नीचे गिरेगा तो उसके आसपास का जो गांव का एरिया है उसको खाली करवा दिया गया दोस्तों ताकि वहां पर कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है और कितना कुछ किया जा रहा है लूना 25 मिशन को सक्सेस करवाने के लिए दोस्तों। बस ये आश्वासन आपको दे सकते हैं दोस्तों कि देखिए कॉम्पिटिशन जो होता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो कॉम्पिटिशन से आदमी क्या है कुछ नया चीज सीखता है ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां है यूएसएसआर बहुत चीजों में आगे है लेकिन कब था जब उसके पास यूनिटी था लेकिन ये यूनिटी जैसे ही टूट गया अभी फेडरेशन ऑफ रशिया कई सारी चीजों में जो है पीछे चला गया है दोस्तों ओवरऑल। इसीलिए यूनिटी सबसे नंबर 1 पॉलिसी है और साथ साथ हमारे देश का जो ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उसको हम और आप और हमारे प्यारे से भारत के जितने भी लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं ज्यादा से ज्यादा और भी टैक्स जो भी मतलब कि सरकार का टैक्स रहता है उसको पे किया जाए और कहीं ना कहीं इसरो और भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट करे और हमारे भारत का जो नाम है ऑब्वियसली रोशन कर रहा है इसरो और भी ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ और भी जो है पूरे विश्व में किया जाए। सो ओवरऑल दोस्तों आज के इस सेशन के माध्यम से इस दोनों चीजों को मैंने आपके साथ कंपेयर किया क्या डिफरेंसेस है क्या स्टडीज होगा ये मैंने आपके साथ साझा किया। आई होप कि दोस्तों ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर थैंक यू सो मच। अब इंतजार है 23 अगस्त का। जय हिंद दोस्तों।